Hello students, welcome in RCI Education Hub online class. Dear students, we discuss about the question 20 part second in the sense of alcohol. कुछ क्वेश्चन और है जो अपन को आज डिस्कस करने हैं. पिछली क्लास में भी अपने डिस्कस किए थे ताकि अब तक जो अपन ने चैप्टर आपका डिस्कस किया है उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका रह नहीं जाए. क्लियर? तो अपन बढ़ते आगे. आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन टू ओर एन टू ब्यूट टू इन. क्लियर? देखिए बेटा, आपको यहां पे पहचानना है, राइट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन टू ओर इन टू ब्यूट टू इन. तो आपका एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एल्कीन. तो ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले इस रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिस रिएक्शन कहां से बिलोंग करती है. ये आपको आइडेंटिफिकेशन अगर आ गया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. देखिए बेटा, इसको अपन किसमें ले जाएंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन ले जाएंगे. आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एल्कोहल से क्या हो रहा है आपका? एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा? एल्कीन का फॉर्मेशन. तो डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन के लिए अपन क्या लेते हैं? कंसंट्रेट H2SO4. क्या लेते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 और साथ में जो टेम्परेचर होता है उसको पता है 443 केल्विन टेम्परेचर. क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है आपका? डिहाइड्रेशन. क्या हो रहा है बेटा? डिहाइड्रेशन. अब देखो क्या ले लो यहाँ पर, ब्यूटेन टू ओर, तो ये अपने फोर कार्बन का आप एल्कोहल ले लो, ये आपका हो गया ब्यूटेन टू. और यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा आपका? ब्यूट टू ई, ये आपकी रिएक्शन होगी और ये आपका ये SO3. डिहाइड्रेशन. तो कहां से क्या हुआ देखो, इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूं. क्लियर? ये आपका H और आपका ये OH, और इस वाले बॉन्ड पे क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड, उससे बन जाएगा आपका ब्यूट टू इन. यहां है आपका क्या है? ब्यूटेन टू ओर, और यह क्या बन गया आपका? ब्यूट टू इन. इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है. आपका जो भी मार्क्स होगा वो क्लियरली आपको मिलेगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स. क्लियर? कोई डाउट है? आगे चले तो आपका बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द स्पेक्ट्रल फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड आल्सो राइट द IUPAC नेम. दोबारा सुनिए, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल. इसके लिए बोल रहा है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल. बात क्लियर है? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल. देखिए बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब फोर कार्बन तो कंप्लीट है से आपका, तो अपने पास में ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल. स्ट्रक्चर होगी IUPAC नेम लिखना है आपको, लिख सकते हैं. नंबरिंग होगी यहां से, जो OH आपका नियर बाई है 2, 3, 4 हो जाएगा आपका ब्यूटेन टू, और जस्ट अपन ने लिखा ही था.
क्लियर सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल की स्ट्रक्चर होगी और इसका आईयूपीएसी नाम हो गया ब्यूटेन टू ओल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी गोइंग है। हालांकि सारे नेम आपको अपने नोट्स में गिवन है, बट मैं आपको ओनली वे ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ जो आपके सामने है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई एएनपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या करना है आपको, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है और जो सीक्वेंस गिवन है उसको कंप्लीट करना है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको दे रखा है डाइल्यूट H2SO4। क्या फॉर्मेशन हो रहा है ए। फिर दे रखा है आपको कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर है 413 केल्विन। क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका बी। क्लियर। अब आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है और ए और बी को क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। अब देखिए पार्ट फर्स्ट अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए एल्कीन का रिएक्शन अगर अपन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कैटेलाइटिक हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ध्यान देना बेटा, एक होता है डिहाइड्रेशन H2O का रिमूव होना, एक होता है हाइड्रेशन H2O का एड होना। तो यहां पर जब भी एल्कीन की रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होगी डाइल्यूट H2SO4। ध्यान देना बेटा यहां पर डाइल्यूट बहुत कम हो जाता है आपका, इस वाले केस में हो जा रहा है। डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंस में होता है तो वहां पर रिएक्शन कौन सी होती है, कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब H2O का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 कैटेलिस्ट। राइट। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्रेजेंस किसकी होगी डाइल्यूट H2SO4 और यहां बन जाएगा आपका H2O में क्या क्या होते हैं आपके H और OH। तो आपका एक एच यहाँ पे एड हो जाएगा और OH यहाँ पर एड हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास में CH3 CH2 ऐसे लिख सकते हो। आपका एच यहाँ पर एड हो गया और एच यहाँ पर एड हो गया। ए है, इसका नाम क्या है इथेनॉल। नाम है इथेनॉल, कई बार आईपीएससी नाम भी पूछ लेता है। आल्सो राइट द आईपीएससी नेम ऑफ ए एंड बी या गिवन प्रोडक्ट। राइट। तो यहाँ पर अपना एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। ए अपने पास क्या फॉर्मेशन हुआ इथेनॉल। यहाँ पर डबल बॉन्ड पे किसका एडिशन हो रहा है H और OH का, एक कार्बन पर H एक कार्बन पर OH। क्या बन गया आपका A इथेनॉल बन गया। अब आपका सेकंड सीक्वेंस है। देखिए बेटा सेकंड सीक्वेंस में क्या होगा वो चीज आप समझिए। सेकंड सीक्वेंस में आप पास में A अपने पास आ गया CH3 CH2 OH। क्लियर। और अपने पास में है क्या कंसंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर दे रखा है 413 केल्विन। टेम्परेचर क्या दे रखा है 413 केल्विन। याद करो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल केस फर्स्ट 413 केल्विन। क्या फॉर्मेशन होता है ईथर। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं अपन 433 से 443 केल्विन पे क्या फॉर्मेशन होता है एल्कीन। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं अपन 1। ध्यान रहेगा 413 पे ईथर कितने मॉलिक्यूल ले जाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। 433 से 443 केल्विन पर क्या
फॉर्मेशन होता है एल्केन, कितने मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल हो जाते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर टेम्परेचर कितना गिवन है 413, प्रेजेंस किसकी है, दोनों में प्रेजेंस सेम होती है कंसंट्रेट H2O, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी आपके टू मॉलिक्यूल, मतलब एक्सेस ऑफ एल्कोहल यहाँ पर यूज आता है। तो यहाँ पर इसको अपन कैसे लिखेंगे, अंडरस्टूड है आपको, वो गिवन नहीं होगा कि आपको टू लगा के देगा, आपको समझना होगा कि कहाँ किस कंडीशन में कितने मॉलिक्यूल आपके यूज हैं। देखिए इस रिएक्शन को अपन कैसे करेंगे, CH3 CH2 OH प्लस HO CH2 CH3, दो मॉलिक्यूल है, होगा वही डीहाइड्रेशन, बट टू मॉलिक्यूल के साथ जब होता है तब उसमें क्या फॉर्मेशन होता है ईथर। देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस H2O, देखिए आप यहां से OH और यहां से ऑक्सीजन, इन दोनों की बिटवीन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे ईथर प्लस H2O, वो डीहाइड्रेशन, उसको बोलेंगे अपन डाई मिथाइल, क्लियर, डाई मिथाइल ईथर, ये आपका कंप्लीट सीक्वेंस हो गया। कौन से नंबर का कंपाउंड बन गया आपका, ए तो बन गया आपका इथेनॉल और बी बन गया आपका डाइथाइल ईथर, इस तरह से आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैं आपको पहले करवा चुका हूं बट वो हो सकता है आपके यूट्यूब पे नहीं हो, उस क्वेश्चन के कुछ पार्ट आपको मैं करवाऊंगा, उसके भी आप पे आपको सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझना वो कैसे होता है क्या है। देखिए बात आती है आपकी, बहुत पीछे चलते हैं, जब आपका एल्कोहल स्टार्ट हुआ तब की बात करेंगे बेटा, जब आपका एल्कोहल स्टार्ट हुआ था और वहां पर अपने पास में टॉपिक रनिंग में था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, क्या रनिंग में था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। उस कंडीशन में क्वेश्चन है आपका, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इग्नोर रिएजेंट, रिएजेंट विद फॉलोइंग, विद फॉलोइंग, क्लियर। नंबर वन दे रखा है आपको HCHO, नंबर टू दे रखा है आपको ऑक्सीजन, नंबर थ्री दे रखा है आपको फॉर्मिक एस्टर, क्या दे रखा है, फॉर्मिक एस्टर, नंबर फोर दे रखा है आपको CH3CHO, नंबर फाइव दे रखा है आपको CH3CO CH3, उसमें आर ओ यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर सिक्स दे रखा है आपको CH3COOR एसिटिक एस्टर, क्लियर। इन सिक्स मॉलिक्यूल के साथ में किसकी रिएक्शन करवानी है आपको, इग्नोर रिएक्शन। इसका दूसरा पार्ट बनता है हाउ कैन यू ऑब्टेन, हाउ कैन यू ऑब्टेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल by GR means Grignard reagent, कि आप 1 degree 2 degree 3 degree alcohol Grignard reagent से कैसे obtain करोगे, समझे। ये सारे compound ऐसे हैं जिनकी reaction अपन इससे करवाएं GR Grignard reagent से करवाएं तो अपन को तीनों type के alcohol का formation होता है, otherwise ऐसा कोई reagent नहीं है जो एक साथ तीनों type के
एयरपोर्ट का फॉर्मेशन करता है। अब मैं आपको यहाँ से दो रिएक्शन बताऊंगा, उसके भी आपके आपको सारी रिएक्शन करनी है, समझना बेटा इसको ध्यान से समझ। देखिए सबसे पहले लेते हैं आपका एच सी एच ओ प्लस आर एन जी एक्स, ये क्या है आपका जी आर, गेडनार्ड रिएजेंट। क्लियर, आर की जगह आप रिक्वायर जो भी आपका रिक्वायर हो वो ले सकते हो, सी एस सी ले सकते हो, सी टू एस फाइव ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ये एस सी एच ओ था, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेलिटी है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, या मैं लिख देता हूं एच सी एच, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, जहां जैसा रिक्वायर्ड हो आप वैसा कर सकते हैं। अब देखिए इस सीओ बॉन्ड पे ब्रेकिंग होगी, पोलर बॉन्ड है आपका, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव, कार्बन क्या आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। इस वाले में R क्या है पार्शियल नेगेटिव और Mg क्या है पार्शियल। R कहां जाएगा देखो, R अटैक करेगा C पर और ये Mg अटैक करेगा O, तो यहां पर बनेगा आपका एडिशन प्रोडक्ट। देखिए H C O पे कौन जुड़ गया MgX और इस पे कौन जुड़ गया R और यहां पे क्या आ गया आपका Mg, ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर, अब इसका होता है आपका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, एच प्लस और आपका ये एच ओ एच हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडियम में क्या होगा हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए जब हाइड्रोलाइसिस होता है उस कंडीशन में यहां से क्या होगा एमजीएक्स रिमूव, क्या होगा MgX और उसकी जगह क्या जाएगा हाइड्रोजन। देखिए इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं फिर आपको बताऊंगा क्या फॉर्मेशन है, वो यहाँ क्या आ गया हाइड्रोजन और ये R और इधर से क्या रिमूव हुआ था देखो Mg, इधर X और ये जो वाला हो गए थे। अब इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ आर सी एस टू ओ एच, कौन सा हुआ आपका ये 1 डिग्री, कौन सा फॉर्मेशन हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। दैट मींस क्या कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद जीआर देन फॉर्मेशन 1 डिग्री एल्कोहल, देन फॉर्मेशन 1 डिग्री एल्कोहल। बात क्लियर हो रही है, देखो इधर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच पोलर बॉन्ड है, ओपन नेगेटिव सी पे पॉजिटिव, R का जाएगा C पे, MgX का जाएगा O पे, क्या बन गया एडिशन प्रोडक्ट। इससे क्या होगा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, MgX यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया H, चाहते हैं क्या बन गया देखो OH ग्रुप, OH ग्रुप क्या है एल्कोहल, दैट इज द 1 डिग्री एल्कोहल, MgX और OH आपका रिमूव। क्लियर राइट, तो मैंने आपको ये एक पेज में क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, बट आपको अगर डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें से और बता देता हूं, उसके भी आप पे आप अदर क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना। देखिए वो आपका किससे रिगार्डिंग है, ईस्टर से रिगार्डिंग है, इस रिगार्डिंग है आपका ईस्टर। देखिए HCO O C2S5 ले सकते हो, R ले सकते हो, ये आपका ईस्टर राइट, इसको अपन कह सकते हैं फॉर्मिक ईस्टर, क्या है आपका ये फॉर्मिक ईस्टर। इसकी रिएक्शन करवाएं किससे, RMgX से करवाएंगे, RMgX कहाँ पे रिएक्शन होती है हमेशा वही CO बॉन्ड, कहाँ पे होती है CO बॉन्ड। देखिए बेटा H C
ओ पे क्या जुड़ गया आपका, वही एम जी एक्स, हम आपको बताने जरूरत नहीं है। सी पे क्या आ गया आर, और यहाँ पे क्या हो गया ओ सी टू एच फाइव। क्लियर विदाउट है, नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर अब होना चाहिए इसका एसिडिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस, बट यहां पर क्या है, ये भी आपका रिमूविंग राइट और ये भी आपका रिमूविंग, दोनों के दोनों आपके यहां पर क्या है रिमूविंग रिएजेंट राइट, लिविंग ग्रुप है, क्या है आपके ये लिविंग ग्रुप है, दोनों यहां से रिमूव हो जाएंगे तो अपने पास क्या फॉर्मेशन होगा, देखो एक बार ध्यान से सी, ये देखो क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ओ पे माइनस सी पे प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एम जी पे प्लस ओ पे माइनस, तो क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये आपको बन गया आर प्लस एम जी इधर एक्स और इधर आपका ओ सी एक्स फाइव। बात क्लियर है, कोई डाउट है तो अपने पास यहाँ क्या बन गया एल्डिहाइड, अगर आर सी एस थ्री है तो क्या बोलेंगे इसको एसिड एल्डिहाइड। ध्यान देना ईस्टर के केस में आर एम जी एक्स के टू मोल्स आपके यूज में आते हैं, ईस्टर के केस में आर एम जी एक्स कितने मोल, टू मोल, अभी आपका एल्को को फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब देखते हैं अपने पास फॉर्मेशन हो गया आर सी डबल बोन एच, एल्डिहाइड है आपका आर इज इक्वल टू क्या ले लो आप सी एस थ्री, तो क्या बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करवाए अपन, आर एम जी एक्स, सबको पता है कौन कहाँ जाएगा आर इधर आएगा एम जी एक्स यहाँ पे आएगा। अब क्लियर है तो देखिए आर सी ओ पे क्या होगा एम जी एक्स, और यहाँ क्या आएगा आर, और यहाँ पे क्या आया आपका एच। अब क्या हो जाएगा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, देखो क्या बनेगा अपने पास में आर सी आर यहाँ एच, और यहाँ पे क्या आ गया ओ एच, और ये बन गया आपका एम जी इधर एक्स इधर आपका ओ एच। देखिए आप बोर्ड से कौन सा है आपका ये टू डिग्री एम फोर, कौन सा बेटा ये टू डिग्री एम फोर। इसी तरीके से आप एच की जगह अगर आर हो तो क्या बन जाएगा थ्री डिग्री एम फोर। ध्यान रखना ईस्टर वाले केस में, ईस्टर वाले केस में टू मोल ऑफ आर एम जी एक्स यूज आएगा। क्लियर, ईस्टर वाले केस में टू मोल ऑफ आर एम जी एक्स यूज आएगा। क्लियर, ये दो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, बाकी एग्जांपल की प्रैक्टिस आप घर पे करोगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, अब तक जितना अपन ने पढ़ा उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन लगभग लगभग अपन ने सोल्व कर लिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।